वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी जाकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहाँ के मंदिर किसी में भी भक्ति की भावना को जागृत कर देते हैं। लेकिन वृंदावन में एक वन है जहाँ आज भी रात्रि में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई रात में वहाँ रुक जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे एक मान्यता जुड़ी हुई है कि इस कलयुग के काल में भी भगवान श्री कृष्ण और राधा यहाँ आकर रास रचाते हैं। यहाँ अनेकों वृक्ष हैं जो रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं। कई लोगों में ये इच्छा रहती है कि भगवान कृष्ण की इस रास लीला को देख सकें। ये सुनकर आपने भी अगर ऐसा कुछ सोचा होगा तो भूलकर भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। जिसने भी इस वन में रात को भगवान की रासलीला देखने की भूल की है वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकला है। रात में ये वन बंद कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ बांसुरी और घुंघरों की आवाज़ सुन सकते हैं। वृंदावन में मौजूद इस वन का नाम निधि वन है। अधिकतर लोगों को इस वन की जानकारी नहीं होती है क्योंकि ये मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। ये यमुना से भी कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जो लोग वृंदावन अधिक जाते हैं उन्हें इस वन की अच्छी जानकारी होती है। ये वन एक रहस्यमय वन है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इस जगह का नाम वृंदावन पड़ने के पीछे ये कारण है कि यहाँ वृंदा यानी तुलसी के अनेक पेड़ हैं। मान्यता ये है कि यमुना नदी के किनारे इन वनों में कदम्ब वृक्षों पर भगवान कृष्ण, राधा और दूसरी गोपियों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। घंटों घंटों इन्हीं वृक्ष की डाल पर बैठकर माखन चोर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और आसपास के गांव में रहने वाली लड़कियां और महिलाएं उनकी धुन में इतनी मदमस्त हो जाती थी कि अपना काम काज छोड़कर वो वहां पहुंच जाती थी। निधि वन एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला है और यहां एक मुख्य मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है। यहां के लिए ये मान्यता है कि इस महल में रात को भगवान कृष्ण और राधा आकर आराम करते हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ रोजाना वस्तुएं रखी जाती हैं। इस रासलीला को देखने की इच्छा रखने वाले अपनी अगली सुबह नहीं देख पाता है। इस वन में मौजूद जो समाधियाँ हैं वो उन लोगों की हैं जिन्होंने इस रासलीला को अपने आँखों से देखा और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। यही वजह है कि उन सभी लोगों की समाधि इसी वन में बनाई गई है। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है और उनकी पसंदीदा चीज़ें सुबह भोग लगी हुई मिलती हैं। निधि वन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके।